एक घर दे विच अग लगन दे कारण वड्डा हादसा वापरिया। हादसे दे दौरान चार नौजवान अग च बुरी तरह झुलसे ने अते उन्हां दी दर्दनाक मौत हुई है। तुहानू दस दईए कि चार प्रवासी नौजवान बीते कुछ समय तो एक किराए दे कमरे विखे रह रहे सन अते रात जदों सुते पए सी तां कमरे च शॉर्ट सर्कट दे कारण अग लग जांदी है, जिस च नौजवान बुरी तरह झुलसदे ने अते उन्हां दी दर्दनाक मौत हो गई है। तां वड्डी खबर गुरुग्राम तों सामने आई है, जिथे कि चार नौजवानों की अग च झुलसन के कारण मौत हुई है। कमरे के रात को सुते पे सी, जिस तो बाद शॉर्ट सर्कट होंदा है, शॉर्ट सर्कट तो बाद कमरे च अग लग जाती है। अग एड्डी भयानक सी कि घर के हेठां जो दुकान सी उत्थे तक अग दीआं लपटां पहुँचदियां ने। जो नौजवान कमरे च सुते हुए सी तां उन्हां दी दर्दनाक मौत दसी जा रही है कि हो गई है। तो उत्थे ही इस घटना तो बाद इलाके दे विच हफड़ा दफड़ी का माहौल मच गया। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ। ये हादसा ये हुआ, जो एक बच्चे आए वहाँ से दौड़ के, चाचा के कमरे में आग लग गया। हम सोचे आग लग गया, नीचे दुख मिल गया। वहाँ गए तो धुआं धुआं निकल रहा था, कहीं आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके बाद में वहाँ पुलिस आई, पुलिस को किन्होंने फोन किया, पुलिस आई, पूरा मुआयना किया उन्होंने, वो फायर ब्रिगेड भी बुलाया, उसके बाद में एम्बुलेंस भी बुलाया। लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण चारों बच्चे अंदर ही झुलस के एक्सपायर कर गए, डेथ कर गए। ये मेरे भतीजे थे, दो बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का, एक इलेक्ट्रिक थी रिश्तेदार। चार बच्चे, ये सर चारों बिहार के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद अमान है, जिसकी उम्र 17 साल है। मोहम्मद मुश्ताक है, जिसकी उम्र 21 साल है, ये 22 साल। एक नूर आलम है, जिसका उम्र 28 साल है। एक रिलेशन है मैं मोहम्मद साहिल, उसकी उम्र लगभग मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन 20-22 के आसपास ही उसका भी। क्या करते थे? एक तो पढ़ाई करता था सरदार इंटरनेशनल सेक्टर, यहाँ पे पड़ोसी रोड पे सरदार इंटरनेशनल में एक पढ़ रहे थे, ये 10th में पढ़ रहे थे। बाकी दो काम करते थे, सिलाई का काम करते थे पुरल ग्लोबल लिमिटेड हिरोना चौक के पास। एक बंदा गाँव से आया था घूमने, वो चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। पहले वो हमारी बहू रहती थी, वो गांव चले गए, इसीलिए एक ही कमरे में सारे सो रहे थे। अचानक ये हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ, ये हमें पूरा पता नहीं, लेकिन जो भी बता रहा है शॉर्ट सर्किट से ही बता रहा है। उसको 15-20 दिन पहले आया था, एक लड़का रिलेटिव जो रिश्तेदार है ना, वो घूमने आया था। ये सब तो यहीं रहते थे छोटे, हम तो सर यहाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो भी कम से कम 15 साल से तो रह रहे हैं, जब से उम्र है यहीं से, नर्सरी से लेके यहीं तक हम पढ़ाए, 8वीं तक 10वीं तक वहाँ पढ़ रहा भाई के पास, यहीं पहले सारे रहते थे। उसके बाद घटना ये रात के 12:15 की बात है। ये जो भी बता रहा है पुलिस वाला, इसलिए शॉर्ट सर्किट बता रहा है, लेकिन हमें अभी कारण जो असल है वो पता नहीं चला है। इस कारण से ही आग लगी, कोई निकल नहीं पाया, बच्चे कोई छोटे थे नहीं, सब समझदार थे, होशियार थे, कोई निकल नहीं पाया। हमारी कॉलोनी में एक रात को 12 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है, इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है, और चारों बच्चे कमरे में सो रहे थे, और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे, और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई, पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था अगर इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है, वो आग बुझाने में लगे रहे तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये चारों बच्चों डेथ कर गए। आग लगने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी? दमकल विभाग करीब यहाँ पे पहुंचा है 1/2 घंटे बाद, आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है, पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एंकले के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले, जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है और एक परिवार के 4 बच्चे इसमें एक्सपायर हो गए। आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, या तो परिवार जानता है या हमारे आप जैसे लोग जानते हैं। कितने बजे की ये घटना है और कितने बजे? ये करीब 12 बजे रात को
हादसा हुआ है। इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद, उसमें 4 बंदे सो रहे थे, एक शादीशुदा है, 3 कुंवारे हैं। ये नहीं पता आग कैसे लगी, कोई नहीं जाना, या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले जब तक आग लगी दरवाजा टूटा तब तक पानी वाणी छिड़के देखा वो खत्म हो सके। बाकी फिर बाद में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, सारी कार्रवाई हुई है, डेड बॉडी भी गई है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता भाई अंदर कमरे में आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता इस चीज। कितने बजे घटना? ये घटना है 12:30 बजे के आसपास। नाम क्या थे उनके, कहां के रहने वाले? वो है बिहार के रहने वाले हैं, नाम तो मेरे को नहीं जानती हूँ मैं। जो एक लड़का सबसे छोटी उम्र का था 16-17 साल का, उसकी एज है 16-17 साल, अमन नाम है उसका। चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। हाँ, कितने बजे घटना? ये 12:30 बजे के बाद की बात है। क्या और किसी कमरे में भी आग लगी? नहीं, उसी में लगी है, क्योंकि ये दोनों रूम उन्हीं के पास है, उसमें उसके मम्मी पापा, छोटा भाई सो रहा था, इसमें वह था, तो उसका ताऊ का लड़का था, एक उसका मामा का था या फूफा का था, ये नहीं पता। और ये मतलब क्या इसमें सो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक आग तो हमने पड़ोसी आना पानी से बुझा दी थी। हाँ, ज्यादा तेज थी, फिर जैसे दरवाजा तोड़ा बाहर लुक निकली, पानी की बाल्टियां मारी, पाइप लगाया, मोटर चलाई, आग बुझा दी। जब तक पुलिस आई तब तक वह खत्म हो चुकी। अंदर से चिल्लाने की आवाज भी आती किसी को बचाने के लिए? नहीं।